अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त पैनकेक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे। 1 बाय 1 करके हम इसको बाउल में ऐड कर लेंगे। मेक श्योर कर लें कि आपके अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। हाफ कप शुगर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने रेगुलर शुगर ऐड की है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से बीटर से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको इतना बीट करना है कि इसके अंदर जो चीनी है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। बस यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमारी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है और हमारा बैटर भी डबल वॉल्यूम में आ गया है। 30 सेकेंड्स के लिए हमने इसको यहाँ पे बीट किया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप ले लिया है मिल्क। इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही वनीला एसेंस के आप फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको ऐड करने से आपके पैनकेक बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 1.5 कप मैदा ऐड करूँगी। मैदे को आप जब भी डालें किसी भी बेकिंग की चीज़ में तो इसको सबसे पहले छान लें। छानने से बैटर बहुत फ्लफी सा बनकर रेडी होता है। यहाँ पर मैंने 1 कप ऐड कर दिया है। बस अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। 1/2 कप हम इसके बाद यूज़ करेंगे। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। बस अब इसको बीटर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी ताकि एक बहुत ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बैटर हमारा बनकर रेडी हो जाए। ये पैनकेक बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक बोतल ले ली है। इसके अंदर एक होल कर दिया है सलाख की मदद से। आपने सलाख को गर्म करके इसके अंदर एक होल कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था इस वजह से मैंने बोतल का यूज़ किया है। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसके अंदर अपना थोड़ा थोड़ा करके बैटर को ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको बेक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर बबल्स आ जाएं 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को टर्न कर देना है और बैक साइड से हम इसको 1/2 मिनट के लिए सिर्फ बेक करेंगे और हमारे मज़ेदार से पैनकेक रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, बहुत ही प्यारा सा कलर हमारे पैनकेक पर आया है। अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे और साथ ही दूसरा बैच भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह हम एक एक करके हम अपने सब पैनकेक को रेडी कर लेंगे। इसी तरह जैसे इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे तो हम इसकी साइड को इस तरह टर्न कर लेंगे 1 मिनट के बाद और 1/2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका के इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके ऊपर कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। बस यहाँ पे हमारे सब पैनकेक्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम 1 पैनकेक लेंगे, उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करेंगे और साथ दूसरा पैनकेक रख के इसी तरह हम सारे अपने पैनकेक को रेडी कर लेंगे। ये पैनकेक बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बना के दे सकते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करके इसको खाएंगे। बस हम सारे पैनकेक इसी तरह रेडी कर लेंगे। अब हम अपने पैनकेक पे चॉकलेट की और पीनट्स की कोटिंग करते जाएंगे। आपने सबसे पहले चॉकलेट में डिप करनी है इसकी साइड्स को और फिर पीनट्स से इसकी कोटिंग करते जाएंगे। इसी तरह हम सारे पैनकेक रेडी कर लेंगे।
ये बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होते हैं। आप ज़रूर अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, उनके लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में आप इनको बना के दें, वो बहुत ही इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। इसी तरह कोटिंग करके हम सारे अपने पैनकेक रेडी कर लेंगे। आप ये पैनकेक बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी वे में बनकर रेडी होते हैं। बस यहाँ पे हमारे सारे पैनकेक्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इन पैनकेक्स की आई है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। तो जी मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।